असेंबली के प्रेसिडेंट मिस्टर फाहद शाहबाद आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम फॉर होल्डिंग दिस सेशन जिसमें बीन्ड द यूथ हम एक फ्रेमवर्क पर डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री के, के अंदर आप लोगों की इनपुट बहुत इम्पॉर्टेंट है तो मैं आई एम सॉरी आई कुंड अटेंड जो पहले से सेशन आ रहे हैं बट आई वॉज मैं ट्विटर पर और फेसबुक पर ढूंढ रहा था कि मुझे uh, ज़रा वाइब मिल जाए कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं बट आई हैव रिटन फ्यू थिंग्स और मैंने सोचा था कि हम इस पर uh, हम जो सियासतदान हैं हम बड़े सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं हम पॉपुलिज्म uh, के पीछे चले जाते हैं और जो जो भी एक चीज़ बड़ी ट्रेंड कर रही हो हम उसके अंदर बहते दरिया के अंदर अपना हिस्सा डाल हाथ डालकर उस बहती गंगा में अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर आएंगे हमें कोई स्टेज मिल जाए तो हम सियासतदान जो होते हैं हम एक बड़ी धुआंधार तकरीरें करके चले जाएंगे लेकिन जो असल मसाइल हैं जो असल प्रॉब्लम्स हैं हम उनको प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं पर हम उनके हल की तरफ बहुत कम डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर हमें एक लेंथी डिबेट चाहिए यहाँ पर जो यूथ के पैनलिस्ट थे आ, आ, बहुत आई फॉलो मोस्ट ऑफ देम ऑन ट्विटर तो मैं इनकी आ, इनको सुनता भी हूँ इनको पढ़ता भी हूँ और इनको देखता भी हूँ और आज भी यहाँ पर मेरे अंदर बहुत मैंने फहाद को कहा कि यार मुझे भी बैठा दो पैनलिस्ट में ताकि हम यहाँ पर यूथ पर जो बात हो रही है उसके ऊपर बात भी कर सकें और कोई हल भी निकाल सकें आई वॉज इलेक्टेड एज यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम्स प्रेजिडेंट और वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो मैं चाह रहा था कि मैं यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में आगाही भी दे सकूँ सबसे पहले लेट्स uh, कम कि हम यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी बात हुई यहाँ पर इस पैनल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस इंक्लूजन ऑफ यूथ उनको uh, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर उनकी इंक्लूसिविटी कैसे होएगी जैसे हानिया ने बात की कि लॉ फ्रेम हो रहा है मेंटल हेल्थ का लेकिन उसके ऊपर यूथ uh, को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा दिस पॉइंट हैज़ बीन टेकन अप और मैंने इसको आई uh, विल इन्वेस्टिगेट uh, कि कौन इस पर काम कर रहा है कौन सा uh, कौन सी कमेटी इसको देख रही है और उसके अंदर आई वुड आई वुड स्पीक आप कि मैं आप यूथ जनरल असम्बली से लोगों को शामिल कराऊं, uh, फिर मीडिया है जेंडर गैप पर आपने लोगों ने बात की जुडिशल एक्टिविज्म पर बात हुई और यूथ तो हर चीज़ में मैं ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज Uh, जो है इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज अभी मेरी आमिर से बात हो रही थी इन्वामेंट uh, के ऊपर सबसे पहली बात तो ये है कि इस हमारे पूरी दुनिया को इस वक्त द मैं जब कभी हमारे अंदर एक पैसे में सोच आ जाए तो हम सोचते हैं द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड और हम देखते हैं कि हीट uh, लेवल्स बढ़ रहे हैं वाटर लेवल ऊपर जा रहा है हम काश्तकारों के साथ हमारा आई कम फ्रामग्राउंड जहाँ पर एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है फसलों के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं इफ़ेक्ट हो, हो रहे हैं तो ये सारा क्लाइमेट चेंज uh, की वजह से हो रहा है अब उसके अंदर हमें क्या करना है हमारी आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेजुलेट द इन कमन गवर्नमेंट अंडर दीडरशिप ऑफ शबाज शरीफ साहब फॉरन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हमारी क्लाइमेट चेंज की हमारी क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं शहरी रहमान साहबा शी डिड ए वंडरफुल जॉब हमने एक लॉस एंड डैमेज फंड कर लिया अभी न्यूयॉर्क में जो फॉरन मिनिस्टर जा रहे हैं उसके ऊपर अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उसकी फंडिंग एंड देन उसकी फंडिंग को हम किस तरह जो है उसको हम चैनलाइज करके इस मुल्क के अंदर हम क्लाइमेट चेंज के जो जो कंट्रोल है उसको हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं दैट्स द सेकंड स्टेप पर हम लोगों ने ये काम कर दिया लेकिन इसको इंडिविजुअल सतह पर देखिए आप और मैं जब तक आ, आ, आप और मैं जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हमने इंडिविजुअल सतह पर इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी जब तक मैं टूथब्रश करते वक्त पानी बंद नहीं करूँगा अपना तब तक मैं यहाँ पर जितनी मर्जी तकरीर झाड़ लूँ आप लोगों को आ, शायद मैं अच्छा तो लग लू लग जाऊंगा कि यार बहुत बात कर ली लेकिन मैं अपने घर में क्या करता हूँ मेरी मेरा जो आ, कार वॉश वाला है मैं उसे ये कहूँगा कि नहीं भाई तुमने एक बाल्टी के अंदर मेरी गाड़ी साफ करनी है और ये नहीं होगा कि गाड़ी धुल रही है हमारे घर में तो पाइप के अंदर पानी लगा हुआ है पानी ही जा रहा है बाहर जा ही जा रहा है पा, पानी बाहर तो ये ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने करनी है हम लोग हम वी फ्रॉम हम सब एक मिडिल बैकग्राउंड में से हैं और हम जब निकलते हैं हमारी हमारे पास अपनी गाड़ी है हम नहीं देखते कि हमारा ड्राइवर जो है वो गाड़ी कैसे धोता है मतलब आप लोगों के अंदर इस हद तक हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस क्लाइमेट चेंज को आ, को कंट्रोल करने के लिए हमने देखना है कि हमारी मिशन कैसे है हमने देखना है कि हमने गाड़ियों में हम लड़कों ने रेसें नहीं लगानी हैं हम लोग अगर कार पूल करके स्कूल जा सकते हैं सन माई सन गोज टू स्कूल टू एशियन कॉलेज एंड दे दे हैव अ कार पूल सिस्टम मतलब उसकी वो, वो फोर फ्रेंड है थ्री ही इज नाइन इयर्स ओल्ड और मेरी माय वाइफ आई टोल्ड हर कि वो एक कार पूल सिस्टम करें कि एक दिन तीन फ्रेंड्स एक वालदा लेके जाएं किसी को एक दिन एक गाड़ी जाए इट्स नॉट अबाउट कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है या पेट्रोल कॉस्ट कम हो रही है इट्स अबाउट कि हम एक तो इमिशन जो हो रही है इन चीज़ों में तो हमें इस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी दिस आइडिया मतलब मैं आ, हम एल में जा रहे थे तो जो कारपूल कर लेन थी वो मैं आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई आस्क माई फ्रेंड कि यार हम लेट हो रहे हैं तो हम जरा फास्ट लेन में चले जाते हैं तो ही टोल्ड मी नहीं यू कॉन्ट गो इन टू दिस लेन इस ले सॉरी हम फास्ट लेन में चले गए तो मैंने कहा बाकी गाड़ियाँ इस लेन में क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग अकेले गाड़ियाँ चला रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कारपूल है टू और मोर पीपल कैन गो इन टू दिस लेन टू रीच देयर डेस्टिनेशन पहले कहीं पर तो इस तरह की चीज़ें हमें uh, सीखनी पड़ेंगी बाहर के मुल्क से हम यहाँ पर तकरीरें तो कर सकते हैं कि हमें अमरीका जैसा निज़ाम चाहिए या हमें यू के जैसी एक uh, निज़ाम चाहिए या हमें रियासत मदीना चाहिए या हमें चाइना मॉडल चाहिए या हमें टर्किश मॉडल चाहिए लेकिन हम उनमें से हम उनमें से चीजें हम ग्रास नहीं करते और हम ये नहीं करते कि हम उनको उनका उनको प्रैक्टिकली अमल कर सकें इस मुल्क के अंदर दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा देखिए सबसे पहले पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है मोस्टली आज आप लोगों की बात मैं नहीं कर रहा लेकिन मैं जो इलेक्ट होकर आया हूँ ऑब्वियसली अगर 63 परसेंट या 65 परसेंट पॉपुलेशन यूथ है तो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे वोट दिया है बट उस 65 परसेंट में से ई कैन बेट दैट एटी परसेंट ऑफ दैट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ यूथ दे डोंव सिविको नहीं पता क्या है वो ये समझेंगे जो है, वो, आ, मुझे या द रूलिंग एलिट को प्रोटेक्ट करता है हालांकि जो आइन है जो हमारा दस्तूर है वो आम आदमी को हुक्मरानों से प्रोटेक्ट करता है वो वो एक कागज का टुकड़ा नहीं है जिसको जो चाहे पामाल कर दे और हम उस पर कहें कि यार हम फिर कहेंगे कि नहीं यार ये आइन हमें क्या दे रहा है हमें दो वक्त की रोटी आइन तो नहीं दे रहा असल प्रॉब्लम क्या है असल प्रॉब्लम मैं आज एम एन ए हूं आप में से शायद हसन कमाल वटू या हानिया ये समझेंगी कि हाँ मेरा काम है कि मैंने लेजिस्लेट करना है मैंने उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है वी एज द लॉ मेकर वी आर हमने लेजिस्लेट भी करना है एंड वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसाइड आर लेजिस्लेशन जो हमारी लेजिस्लेशन है लेकिन जो यूथ मुझे वोट देकर आई हुई है जो वो जो यूथ मुझे इलेक्ट करके आई हुई है वो मेरे से कह रही है कि मेरे घर में मेरा ट्रांसफार्मर जल गया है तो तुम एमएनए हो तो तुम मेरा ट्रांसफॉर्मर लगवा के दो बिजली का मेरी सड़क के अंदर मेरी गली के अंदर पानी भरा हुआ है सीवरेज का तो वासा मुल्तान के एमडी को या डायरेक्टर को कॉल करो और वो हमारी गली में से पानी निकाले हमारे ये मसाइल हैं, अब ये मसाइल कैसे हल कर सकते हैं आज मैं यहां पर हम सबको फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट मैं कि मैंने जब अपनी तकरीर शुरू की तो मैंने कहा हम सियासतदान बहुत सेल्सिश है हम हर चीज़ का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो बंदा है उसको अगर कोई भी मसायल है तो वो मेरे दरवाजे पर आए और मैं उस पर एहसान करूं और मैं ये कहूं कि हाँ भाई तुझे पानी चाहिए तो मैं दूंगा तुझे सीवरेज का निज़ाम चाहिए तो मैं दूंगा तुझे बिजली चाहिए तो मैं दूंगा तेरे बच्चे की नौकरी है तो मैं दूंगा ऐसे तो हम ऐसे तो हम नहीं चल सकते हैं हमें हमें सिस्टम्स को मजबूत करना होगा और मुशरफ ने आइन पामाल किया ही वॉज अ ट्रेटर ही इज अ ट्रेटर ही शुड बी ट्राइड अंडर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज ठीक है बट वॉट ही डेड वॉट ही डेड विच वॉज गुड वॉज कि उसके दौर में जो हमारा बलदयाती निजाम था वो मजबूत था देखिए वी शुड जो किसी की कोई एक चीज़ भी अच्छी हो अगर एक बंदा मैं हज़ार गंदा होऊंगा पर अगर मेरे अंदर एक चीज़ अच्छी है तो मुझे उसको मुझे उसको एक्सेप्ट तो एटलीस्ट एक करना चाहिए या उसमें से कोई चीज़ सीखनी तो हमें चाहिए इमरान खान बीइंग अ पॉलिटिकल अपोनेंट मैं उसके बारे में सौ बातें करता हूँ कोई अच्छाई होगी तो मुझे करनी चाहिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस बुराइयाँ भी होंगी तो पाँच छः अच्छाइयाँ ज़रूर होंगी उसके अंदर हमारा हम इंडिया की बात कर रहे हैं हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने आज हम किस बात पे लड़ रहे हैं हम यूथ की इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं हम आपस में हम यहाँ पर हमारे अंदर लड़ाई हो रही है हमारा टीवी चैनल बोल रहा है कि शर्तें लगा रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा पंजाब हुकूमत टूटेगी या नहीं टूटेगी उसके अंदर हम बहस कर रहे हैं कि हमें उसको रोकने के लिए अदम अतम लेकर आना है कि नहीं लेकर आना इंडिया ने सेटेलाइट भेज दी स्पेस के अंदर और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं हम आज भी उधर ही खड़े हुए हैं आपस में लड़ रहे हैं तो जो इंडिया ने सैटेलाइट भेजी है स्पेस के अंदर ये अभी मोदी ने भेजी है तीन चार साल में नहीं उसके पिछले पांच साल में नहीं ये आज से बीस साल पहले उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया होगा उन्होंने एक इदारा बनाया होगा जैसे अटोमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जुल्फकार अली भुट्टो ने बनाया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी प्रोटेक्शन दे दी उसकी फंडिंग हो रही कि उस पर काम 20 साल से चल रहा होगा और वन फाइन डे दे देंटर सैटेलाइट टू स्पेस जैसे हमने भी जुल्फकार अली भुटो ने एटम बम की बुनियाद रखी एक एनर्जी कमीशन बनाया और नाइन्टी के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसके धमाके करके हमने दुनिया को बता दिया कि वी हैव अ न्यूक्लियर पावर तो हम लोगों को इस तरह के सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे इस तरह के सिस्टम्स हम लोगों को आ, इंस्टॉल करने पड़ेंगे पर आज हमारी जो यूथ है हम एक हेटेट की तरफ जा रहे हैं हमारे अंदर हमारे अंदर इतनी नफरतें हैं हम इतनी पोलराइज सोसाइटी हो गए हैं यूथ की इन्वॉलमेंट है यहाँ पर जितने लोग बात कर रहे थे हम लोग आप लोग ये बात ज़रूर कर रहे थे कि यूथ जो है उसको इन्वॉल्व किया जाए मैं मानता हूँ कि हमारी नर्सरी बंद हो गई है जो ये स्टूडेंट यूनियंस है ये नर्सरी है ये ये नर्सरी है जो जिस नर्सरी से लोग निकलते हैं और वो फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं मखदूम जवेद हाशमी साहब ही वॉज अ स्टूडेंट लीडर लीडर मुशरफ साहब आए उन्होंने ये नर्सरी बंद कर दी अली भुट्टो ने ये नर्सरी बनाई और स्टूडेंट्स के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक इस मुल्क के अंदर एक वाहद वाद जमात है नॉट दैट आई एम फ्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आई एम सेंग इट बट आप तारीख उठा के देख लें कि स्टूडेंट्स ने बनाई थी अब जो जब पहला 1967 में या 69 में जो पहली मीटिंग लाहौर में हुई थी तो जो अखबार में हेडलाइन लगी थी उन्होंने कहा था अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ पार्टी और गुल्कार भुट्टो साहब जब थे तो वहां पर कोई बीस पच्चीस तीस लोग होंगे लड़के स्टूडेंट्स जब ये पार्टी बनी लेकिन उन्होंने ये पैगाम फैलाया और वो बात आज इतने पचपन साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को चार दफा वो हकूमत में आ गई है विदाउट अ लीडर हमारा मुल्क का अलमिया भी यह है कि हम शख्सियात पसंदी की तरफ चले जाते हैं मैं जुल्फ्कार भुट्टो मुझे अच्छा लगता है तो मैं बस उसको वोट दूंगा मैं उज, पर जब अली भुट्टो ने जमात बनाई थी तो उसने जो नज़रिया दिया था उसने जो नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान का मैं उसको भूल जाऊंगा और मैं झुल्ल्फार भुट्टो की पर्सनलिटी के पीछे उसको वोट दे रहा हूँगा मैं बेनदी भुट्टो की पर्सनैिटी के पीछे उसको वोट दे रहा हूँगा मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की पर्सनैटी के पीछे उसको वोट दे रहा हूँ या मैं इमरान खान की पर्सनलिटी के पीछे उसको वोट दे रहा हूँ पर हम भूल जाते हैं कि इनके मैनिफेस्टोज़ क्या हैं हमें आई एम श्योर कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है आपने पीएमएलएन का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने टीएलपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने जे यू आई एफ का मैनिफेस्टो पढ़ा है तो हमें से किसी ने कोई मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा बयानिया बयानिया क्या है बयानिया बयानिया मैनिफेस्टो से निकलता है हम हम एक मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें से हम की पॉइंट निकालकर बयानिया बनाते हैं एंड देन वी सेल दैट वी पार्टी सेल्स दैट मैनिफेस्टो और वो जो बयानिया होता है वो उस मैनिफेस्टो से निकलता है और फिर हम उसके अंदर कुछ अमल करते हैं अब इस पर आ जाएं आप जुडिशियल एक्टिविज्म पर अब हम जुडिशियल एक्टिविज्म पार्लियमान जो है वो सॉवरन है और वो सुप्रीम है क्योंकि डेमोक्रेसी हम इस्लामी जमहूर पाकिस्तान है हम इस्लामी पाकिस्तान नहीं है सिर्फ हमारे शनाख्ती कार्ड पर हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरिया डेमोक्रेसी विच इज फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल तो हम जब जमहूरिया की बात करते हैं तो उसकी रे, जो रिप्रजेंटेशन है वो पार्लियामान के अंदर है चाहे कोई मैं जाहिल हूं अगर मुझे अवाम ने वोट दिया है और मैं पार्लियामेंट के अंदर पहुँच गया हूं तो मैं मुकदस हूं आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया है तो हमें इस चीज़ को भूल कर कि किसकी क्या इंटेलेक्ट है किसकी क्या क्वालिफिकेशन है हमने सबसे पहले यह देखना है सिविल सुप्रीमेसी की हर कोई बात करता है आज सिविल सुप्रीमेसी कामयाब हो चुकी है सिविल सुप्रे, सुप्रेमेसी बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है 90 परसेंट तो मैं कहूंगा कि पिछले दो साल के अंदर ये जब शुरू हुआ था सिविल सुप्रेमेसी का ज्यादा ढिंडोरा जब हमने शुरू कर दिया तो बहुत हद तक हमने बहुत सारे इदारों को बैकफुट पे लेकर आ गए हैं और अब वो अपने आप को न्यूट्रल भी कहने लग गए हैं और अमली तौर पर भी हमें नजर आ रहा है और नजर आएगा भी सही क्योंकि हम खड़े हैं ना द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्टर्स ऑफ सिविल सुप्रेमेसी हम देखेंगे कि इसको आ, हम इस सिविल सुप्रेमेसी को आज तक पहुंचाना है हमने लेकिन सिविल सुप्रेमेसी से ज्यादा प्रॉब्लम आज हमारे मुल्क के अंदर क्या है हमारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी नहीं है मैं ये समझता हूं कि पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करते हैं और वो सिविल इदारे हैं वो सिविल इदारे हैं तो हमें सिविल सुप्रीमेसी से ज्यादा अब अगला नारा जो होना चाहिए वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए और जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें आप तो जो पार्लियामान है वो एक ओवरसाइट थी जिसने जिसने जुडिशरी को जिसने जुडिशरी के अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर को लिजमेसी देनी थी पर हम मरहूने मिन्नत हो गए हैं हम अठारहवीं तरमीम करते हैं और वो अदालत में चैलेंज हो जाती है और हम अदालत के महरून मिन्नत हो जाते हैं कि अब वो हमारी अठारहवीं तरमीम को स्ट्रक डाउन ना कर दे अदालत की जो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ओनली द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसने इंटरप्रटेशन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की ना कि हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड या उसको कैसे बनाना है हाँ अगर वो ह्यूमन राइट्स हाँ, अगर वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है तो उसके अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो हमारी आर्म ट्विस्ट करके हमारे से उन्नीसवीं तरमीम नहीं करवा सकते वो हमारे से उन्नीसवीं तरमीम ऑन दी अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस नहीं करवा सकते थे लेकिन हुआ ऐसा दौर भी आया कि हमने ये दौर भी देखा हमने ये दौर भी देखा कि हमारे से अमेंडमेंट्स करवाई गई मैं तो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है हमने इसके ऊपर भी आ, हम लोगों को बात करनी चाहिए जेंडर गैप पर आपने बात की जेंडर गैप विमेन इन दिस कंट्री हैव टू आई एम अनफॉर्चुनेटली हैव टू वर्क ट्वाइस एज हार्ड एज मैन टू प्रूव अ पॉइंट और टू मेक मेक अ मार्क उनको दुगना काम करना पड़ता है एक मर्द के साथ कंपीट करने के लिए क्योंकि हमारी हमारा जो ये माशरा है ये ऑब्वियसली एक मर्दों का माशरा है अनफॉर्चुनेटली uh, मैं आई वाज एट अ रेस्टोरेंट और मैं मैंने ओवर किया कि जो एक एक खातून थी अ लेडी मैनेजर उन्होंने ये बात की कि ये माशरा तो मर्दों के लिए बना है हमारी यहाँ पर जगह नहीं वो अपनी किसी कॉलीग को बात कर रही थी और वो बात मैंने ओवर की एंड इट वेरी हार्ड ब्रेकिंग हमें हमें इंक्लूजन ऑफ वीमन इनको सिस्टम के अंदर और ज्यादा इन्वॉलमेंट करनी चाहिए एंड वी शुड सपोर्ट दैम विद एवरी थिंग वी हैव और उनको हमें आगे लेकर आना पड़ेगा मैं मुझे मैसेज uh, मिल गया द टाइम इज़ शॉर्ट मैं आखिरी बात सिर्फ करना चाहूँगा मीडिया के ऊपर विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि uh, मैं पैका लॉ को भी देख रहा हूँ अंडर वाई पी एफ हमने उसके लिए मैं चार पाँच फोर uh, प्रोविंस uh, के अंदर उनकी जो मेजर सिटीज हैं उनके अंदर हम एक पब्लिक uh, हेयरिंग भी कर रहे हैं कि इसको हमने कैसे ठीक करना है मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन मैल इन्फॉर्मेशन ये हमारे लिए हमें मैं ये इसके साथ मुकाबला है हम सबका क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ है हम समझते हैं कि इसकी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए पर हमारी जो यूथ है उसको जैसे राना मशहूद साहब ने कहा हमें वेरीफाई करनी चाहिए न्यूज़ और उसके बाद फैलानी चाहिए क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैल इन्फॉर्मेशन दे आर ये, ये एक मेनस है जो इस मुल्क को मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये सिर्फ़ सियासतदानों के लिए नहीं ये हर इदारों के लिए ये कंपनीज़ के लिए मल्टानेशनल कंपनीज़ के लिए कोई भी कंपनी हो किसी का छोटा सा भी एक आउटलेट हो तो ये उसके खिलाफ भी अगर ये चला जाए तो हमें इस प्रोपोगंडे को रोकने के लिए प्रोपोगंडे को रोकने के लिए हमें मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दे शुड देश भी मेचोर दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ दे शुड बी, बी दे शुड नो कि हमें हमने इस मुल्क की तरक्की में और इस यूथ की जो परवरिश है और उनको जो नॉलेज देने के लिए उनका बहुत सारा किरदार है वाई जी जनरल असम्बली को एंड पर मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि हमें हमें यूथ के लिए हमें यूथ के लिए सिविक सेंस और इनको सिविक्स पढ़ानी चाहिए हमें रूल ऑफ लॉ और रोल रू, ऑफ द पार्लियामेंट रोल ऑफ मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देके ख़त्म कर दूँगा बात को कि जैसे इमरान खान साहब हैं उन्होंने तकरीर की और उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम से ही बाहर निकलना चाहता हूँ ये सिस्टम ही गंदा है अब हमारे लोगों ने कहा हमारे लोग ये समझ रहे थे हमारे लोग ये समझ रहे हैं हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ यार ये तो सिस्टम ही ऐसा है हालांकि ये किसी को नहीं पता कि पंजाब असेंबली एक सिस्टम ही है अठारवी तरमीम के बाद के पी एक 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 है एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है इज इज रन द द फॉर पंजाब असेंबली एन इंडिपेंडेंट सिस्टम वो अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने एक इंप्रेशन दे दिया लोगों को कि यह सिस्टम ही गंदा है जिस सिस्टम का वजीर आजम नवाज शरी शबाज शरीफ साहब है हालांकि ये बात ये ये बात हकीकत से बहुत दूर है कि पंजाब असेंबली इज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम पंजाब के अंदर का उसका कोई लेना देना ही नहीं है वफाक के साथ तो हमें इस तरह की इंप्रेशन नहीं देने चाहिए यूथ को मैं सिर्फ एंड पर यूथ को यूथ को सिर्फ एंड पर मैं एक ही बात करूँगा कि यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात यही आशुफ्ता सरी देगी असीरी से निजात सर सलामत है तो दीवार भी दरवाज़ा है बहुत मेहरबान